भगवान ने मृदभक्षण लीला की, मिट्टी खाई। एक संत का बड़ा प्यारा भाव, बहुत अच्छा भाव, भगवान ने गोकुल में ब्रह्मांड घाट में मिट्टी खाई। ब्रह्मांड घाट की लीला है ना, मृदभक्षण लीला। ब्रह्मांड घाट में ठाकुर जी ने मिट्टी खाई, उसका नाम ही ब्रह्मांड घाट इसलिए कि मैया को अपने मोड़े में ब्रह्मांड दर्शन कराया, इसलिए घाट का नाम हुआ ब्रह्मांड घाट। बड़ी सुंदर बात है, बहुत ध्यान से सुनना। ठाकुर जी ने वहीं की मिट्टी क्यों खाई? वैसे ही भगवान का तो संपूर्ण ब्रज में प्रेम है, ब्रजरज में प्रेम है, पर एक संत के द्वारा बताई हुई बात है। बोले ठाकुर जी ब्रह्मांड घाट पे खेलवे गए ना, वाके पहले राधा रानी रावल ग्राम से अष्ट सखियों के साथ वहां खेलने गई थी, तो रज में छोटी सी बालिका राधा रानी तो रज में खेल रही थी, ललिता विशाखा रंगदेवी सुदेवी आदि के साथ, अष्ट सखियों के साथ बैठ करके वहाँ खेल रही थी, जैसे छोटी छोटी बच्चियाँ रज में खेलते, ऐसे रज में खेल रही। तो जब लालजी सखाओं के साथ, अष्ट सखाओं के साथ वहाँ पधारे, तो उन्होंने श्री जी के चरण चिन्ह देखे, तो लालजी का भाव भर गया कि देखो श्री जी की प्रत्यक्ष लीला का दर्शन तो नहीं हुआ, पर इनके चरण चिन्ह का दर्शन हो गया, चरण रज का दर्शन हो गया, तो ब्रजरज में तो प्रेम है ही है, फिर ब्रजेश्वरी रसेश्वरी रासेश्वरी श्री जी के चरण की रज है, इस रज को धारण करने से ही वेदांतियों ने जिसे रूखा सूखा ब्रह्म बना दिया, शुष्क ब्रह्म बना दिया, उसमें इस ऐसी रसिकता आवेगी जो महारास की योग्यता संपादित कर सकूंगा, ब्रज में रसमयी लीलाओं का विस्तार कर सकूंगा। इसलिए ब्रज में रसमयी लीलाओं के विस्तार के संकल्प से, रसेश्वरी के चरण चिन्ह से अलंकृत जो ब्रज की रज थी, मिट्टी थी, उसको उन्होंने भक्षण किया। ऐसा ब्रज के एक रसिक का भाव है। बोलो वृंदावन बिहारी। श्री सीताराम प्रतिदिन सत्संग एवं दर्शन के लिए श्री महाराज जी के ऑफिशियल चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।